काश कोई ऐसा प्रोग्राम होवे जिदे च बिजनेस वाले भी अप्लाई कर सकन और प्रोफेशनल भी अप्लाई कर सकन। काश कोई ऐसा प्रोग्राम होवे जिदे च LMIA दी लोड़ ना होवे। काश कोई ऐसा प्रोग्राम होवे जिदे च IELTS दी लोड़ ना होवे। कोई ऐसा प्रोग्राम होवे जिदे विच तुसी फैमिली नाल कट्टे आ सको। कोई ऐसा प्रोग्राम होवे जिदे च बच्चे तुहाडे इत्थे आ के पढ़ सकन फ्री। और कोई ऐसा प्रोग्राम होवे जिदे च तुसी बिजनेस भी कर सको और रह भी सको और वो फास्ट भी होवे। और सब तो मजेदार गल, वो थानू PR भी दवा देवे। तुसी कहोगे ऐसा प्रोग्राम कोई नहीं है। नहीं, लेकिन प्रोग्राम हैगा और यही प्रोग्राम अज तुहाडे नाल डिस्कस करन लगे हां। सो सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज तो मैं सतविंदर पाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंसड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि अज जो मैं थोड़े नाल शेयर करन लगा थोड़े कोल कितने नहीं अवेलेबल हैगा ठीक तरीके नाल। सो सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल मैं थोड़े नाल शेयर करन लगा। उस तो पहला छोटी जी रिक्वेस्ट, तुसी चैनल पर नवे हो और चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ क्योंकि इस चैनल पर असी बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन दियाँ न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स प्रोग्राम्स थोड़े नाल शेयर करने हैं। तुहानू वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्होंने भी बेनीफिट हो सके। बैल आइकन को प्लीज़ जरूर दबा दिओ, इहदे नाल वीडियो उस वक्त थोड़े तक पहुँचता है जो असं अपलोड करते हैं। सो तुसी कैनेडा आना चाहते हो या थोड़ी फाइल चल रही है कैनेडा वास्ते, ये चैनल है जो तुसी सबसक्राइब करना है। सो बिना होर देर किए हुए शुरू करने हैं अज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हैगा एक ऐसे प्रोग्राम के बारे जिदे हर पॉसीबल खूबी है, हर पॉसीबल खूबी है लेकिन किसी ने ठीक ढंग नाल समझाया नहीं। वो प्रोग्राम की है ICT। ICT की हैगा, ICT हैगा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। इहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट वर्ड हैगा इंट्रा। इंट्रा का मतलब होंदा है विदिन, इंटर नहीं, प्लीज़ कन्फ्यूज ना करना, इंट्रा विदिन कंपनी। सो विदिन किस तरह उही सारा खेल है। सो ये प्रोग्राम आंदा है IMP दे अंदर, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम दे अंदर। IMP दे अंदर यह प्रोग्राम आंदा है और इहदे अंदर मल्टीनेशनल इंपलॉयज जिहड़े ने मल्टीनेशनल कंपनीज दे इंपलॉयज वो अपनी फॉरन ब्रांच दे विच ट्रांसफर हो सकते हैं। सो ये कॉन्सैप्ट इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का बेसिक जिहा कॉन्सैप्ट कि थोड़ी किसी होम कंट्रीज कंपनी है और कैनेडा दे विच उहदी सबसिडरी है ते उहदी उत्थे तुसी अपने इंपलॉय नूं ट्रांसफर कर सकते हो। और इहदे विच इह नहीं है कि तुसी अपने इंपलॉय नूं ट्रांसफर कर सकते हो, तुसी तुहाडे कोल कंपनी है इंडिया च पाकिस्तान च बिजनेस कर रहे हो, वो कंपनी जिहड़ी है तुसी ओह खो जी कंपनी तुसी कैनेडा च भी खोल लैंदे हो और कैनेडा च तुसी ओ बिजनेस तुसी इत्थे ले आंदे हो, इत्थे ले आके भी तुसी ओ बिजनेस कर सकते हो। सो ए ICT दा बेसिक जिहा मतलब है। अगर मैं तुहानू इह दस दिया कि भी ICT नूं अप्लाई कौन कौन कर सकता है तो तुहानू होर ज़्यादा गल क्लीयर हो जाएगी। सो ICT दे विच तुसी बिजनेसमैन हो, बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, तुसी अप्लाई कर सकते हो। सीनियर मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर्स, अगर तुसी सीनियर मैनेजर दे लेवल ते किसी कंपनी च हैगी हो, फंक्शनल मैनेजर हो एक पेरेंट कंपनी दे विच, तां वी तुसी इहदे च अप्लाई कर सकते हो। इहदे अलावा ये जरूरी नहीं है कि तुसी सीनियर मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर होवो। की इंपलॉयज, हुण इत्थे की इंपलॉय बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई ऐसे इंपलॉय होंदे ने जिन्हां कोल बड़ी स्पैशलाइज नॉलेज होंदी है जो तुसी कॉपी नहीं कर सकते। जिवें मान लो मैं IT दा एग्जाम्पल लैंदा वां, IT दे एग्जाम्पल दे विच कई ऐसी स्किल्स हैगियां ने जिहड़ियां बहुत ज़्यादा नहीं हैगियां। फॉर एग्जाम्पल मेन फ्रेम दियां स्किल्स, कोई कोई ना कोई ऐसी स्किल हैगी है जिहड़ी बहुत ज़्यादा नहीं हैगी, हडूप दी मेन फ्रेम दी, अगर इस तरह दियां कोई स्किल्स हैगियां ने ते वो की इंपलॉय हुंदा है, उस इंपलॉय कोल ही हैगियां ने, होर किसी कोल नहीं हैगियां। सो ये तीन कैटेगरीज ते इंपलॉयज, बिजनेस ओनर्स, स्पैशलाइज मैनेजर्स और फंक्शनल मैनेजर और की इंपलॉयज विद वेरीज काइंड ऑफ स्पैशलाइज स्किल्स, ये तीन तरह के इंपलॉय जिहड़े ने आ सकते हैं, तीन कैटेगरी के लोग आ सकते हैं।
सो अगर ये सारी चीज़ जी मैं तुम्हें ग्राफिकली दसा तो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। सो इंडिया के थोड़ी कंपनी है, कंपनी के इंपलॉइज ने या तुसी खुद इंपलॉइज ने या कंपनी है, तुसी कोई पर्टिकुलर इंपलॉई ट्रांसफर करना चाहते हो, तुसी इत्थे देखो ये इंपलॉई है जो सर्कल किया गया है इनू ट्रांसफर करना है। तुसी की है कैनेडा के दूजी कंपनी खोली, कैनेडा च थोड़ी सबसिडरी खुल गई, उस कंपनी की वड्डी कंपनी की छोटी कंपनी उत्थे खुल गई। सो ये पेरेंट कंपनी है वो सबसिडरी है, सबसिडरी खुल गई और ये इंपलॉई जिहड़ा है जो कि इंडिया बैठा सी उतों मूव होके ये कितने पहुँच गया जी कैनेडा। ये हैगा आईसीटी का काम। सो आईसीटी की इन्नी जी गल तो बाद कैटेगरियां देख लीए, एक कैटेगरियां तुहानू किसी ने नहीं दसनियां, लोग इक्को ही कैटेगरी की गल करते हैं जबकि ये दो कैटेगरीज ने, किसी को ठीक तरह क्लीयर नहीं है। ये दो कैटेगरीज ने, मैं दोनों कैटेगरीज की गल करांगा थोड़े नाल। सो दो कैटेगरीज केड़ियां केड़ियां ने, पहली कैटेगरी है कनेडियन इंटरस्ट। कनेडियन इंटरस्ट की हुंदा है, देखो कोई भी कंपनी जदों कैनेडा च आएगी ऑफकोर्स ओदे नाल तरक्की होएगी कैनेडा की, तो कैनेडा का इंटरस्ट है, उन्होंने जॉब ऑपरचुनिटीज क्रिएट करेगी कैनेडा च, नवे लोगों होर जॉब्स मिलनगियां, कैनेडियन इंटरस्ट है। सो कैनेडियन इंटरस्ट जिहड़ा है अरपा की जिहड़ी रेगुलेशन है 205 सैक्शन ए दे अंदर आती है, और ये दूजी जिहड़ी कैटेगरी है वो हैगी है ट्रेड एग्रीमेंट। हुण ट्रेड एग्रीमेंट जिहड़े ने वो कैनेडा के कई कंट्रीज नाल ने, चिली नाल ने, पेरू नाल ने, और सब तो वड्डा ते नैफ्टा है। नैफ्टा जो कि हुण यूसी एमसीए हो गया, यूएस एमसीए हो गया, वो ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उहदे अंडर भी अगर थोड़ियां कंपनियां उत्थे ने तुसी इत्थे मूव कर सकते हो। सो ये जिहड़ी दूजी कैटेगरी है ये अरपा की रेगुलेशन जिहड़ी है 204 हैगी है 204। हुण इहदे विच एलएमआईए की लोड़ नहीं है क्योंकि एलएमआईए एग्जेम्पशन है। वो एग्जेम्पशन की है, वो एग्जेम्पशन हैगी है जिन्हों असी कहने C12 और T24। ये दो एग्जेम्पशन ने अगर ट्रेड चाहते हो तो T24, अगर तुसी कैनेडियन इंटरस्ट चाहते हो। ज़्यादातर लोग C12 चाहते हैं, इस करके कई लोग आईसीटी नू C12 भी कहते हैं जो कि गलत है। C12 पूरा पार्ट नहीं है, इस T24 भी हैगा। सो C12 कई लोग इनू कहते हैं C12 कैटेगरी। C12 जिहड़ा है उहदा कुछ पोर्शन है। सो ज़्यादातर लोग जिहड़े मैं तुहानू दस्सिया कि C12 चाहते हैं, कुछ लोग T24 दे विच भी आते हैं। सो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज ने आईसीटी दियां। हुण अगली गल करने आ कि जिहड़ी बिजनेस इमीग्रेशन है, जिवें मैं तुहानू दस्सिया मेरे बाकी सब कैटेगरीज से थोड़े को वीडियोज़ है, ये कैटेगरी मिसिंग सी। सो मेरी अगर तुसी कैटेगरीज देखोगे तो SUV ये चलान वाली SUV नहीं है, राइट। सो सैल्फ इंपलॉयड इस कैटेगरी भी मेरे को थोड़े को वीडियो हैगा, स्टार्टअप वीजा SUV की कैटेगरी भी थोड़े को वीडियो हैगा। ये दोनों जिहड़ियां ने फैडरल की कैटेगरीज के विच हैगियां ने, बट ये PR की कैटेगरी ने सीधियां। लेकिन जिहड़ियां बाकी कैटेगरीज की मैं गल कर रहा जो कि ICTA जिदे विच C12 और T24 है, C11 है और बिजनेस रजिस्टर वीजा भी है। सो ये जिहड़ियां ने लाल बॉक्स के विच हैगियां ने, ये टैंपरेरी कैटेगरीज है। सो टैंपरेरी कैटेगरीज ने या तो तुहानू विजिटर वीजा मिलता है या वर्क परमिट मिलता है। सो ये लाल बॉक्स के विच तुसी देखोगे। सो ये जी असं गल कर रहे ICT की गल कर रहे हैं। हूँ ICT की रिक्वायरमेंट की ने, रिक्वायरमेंट की गल करिए जी कंपनी है वो घट तो घर जी जिथे भी जी भी होम कंट्री है उत्थे 12 महीने तो ऑपरेशनल होनी चाहिए है कैनेडा एक्सपेंशन करने वास्ते। फाइनैशली साउंड होनी चाहिए, ये नहीं है कि तुम उत्थे ही बैंकरप्ट हो रहे हो तो कैनेडा में कितों संभालोगे, राइट। सो होम कंट्री के बहुत अच्छे फाइनैशली एसटैबलिश होने चाहिए हो। उस तो बाद जो वर्क परमिट तुम लै रहे हो उस कैटेगरी के जोड़ा एप्लीकेंट जिसनों जो भी वर्क परमिट लै रहा है वह इंज नहीं है कि तुम कल हायर किया तो अच चक के कैनेडा भेजता ना, वो थोनों वो 12 महीने वो पिछले 3 साल थोड़ी कंपनी के होना चाहिए, मिनिमम 12 मंथ्स, राइट। सो जी होम कंपनी है और जी पेरेंट कंपनी है आपस एक दूजे ना रिलेटेड होनिया चाहिए ने। होम कंपनी जी है वो पेरेंट कंपनी है, जी इतने कैनेडा की कंपनी वो सबसिडरी है, आपस रिलेटेड होनिया चाहिए ने। बैटर यही रहा कि जो कंपनी पेरेंट कंपनी काम करे उ इतने सबसिडरी काम करे, सेम काम करे,
राइट, ताकि यह दिखाया जा सके कि ये सोनों सेम ने, अलग अलग नहीं ने। सो कैनेडा के ऑपरेशन जड़े ने वो अच्छे होने चाहिए ने और वो तो जॉब क्रिएशन होनी चाहिए है। सो ये वास्ते बिजनेस प्लान बनता है, मैं थोड़ा अगे जाके वो भी चीज़ दसागा। सो ये होगी रिक्वायरमेंट आईसीटी की, स्टैप्स आईसीटी दे की ने। सो चार सौखे जे स्टैप ने, जो तुम समझ लो तो थोड़ा कोई मुश्किल नहीं आएगी। चार सौखे जे स्टैप कि पहला है जी कंपनी रजिस्टर करानी है। तुसी जब तक थोड़ी कैनेडा च कंपनी कोई नहीं, तुसी कुछ नहीं कर सकते, राइट। थोड़ा कंपनी कैनेडा दे विच रजिस्टर्ड चाहिए है। तो पहला स्टैप हो गया। दूजा, थोड़ा एक बिजनेस प्लान बना के देना है। बिजनेस प्लान जिहड़ा तुसी, बहुत सारिया इत्थे कंपनियां ने जिहड़ियां बिजनेस प्लान थोड़ा बना के देंदियां ने, और वो बहुत अच्छा बिजनेस प्लान होंदा है। वो उन्हां दे विच एक्सपर्ट ने, CA या CPAs जिहड़े इत्थे हुंदे ने वो भी बना के दे सकते ने। ये बिजनेस प्लान थोड़ा मस्ट है, ये चाहिदा ही चाहिदा। सो बिजनेस प्लान थोड़ा गवर्नमेंट देखेगी, उस तो बाद तुसी सारा कागज़ पत्थर इकट्ठा करना है। बहुत सारे कागज़ ने जो तुसी इकट्ठे करने ने, वो तुसी नाल लाने ने, और उस तो बाद तुसी फिर वर्क परमिट अप्लाई करना है। ये चार स्टैप का प्रोसैस है, मैं सौखे जी लैंगुएज से तुहानू समझाने की इत्थे कोशिश की है। हुण एक इत्थे यह भी चीज़ है कि ICT का जो वर्क परमिट है ना, वो एक साल तो लैके 7 साल तक का हो सकता है, 1 साल तो लैके 7 साल। तो पहले मैं थोनों ये दस दिया कि जिहड़ी मैनेजमेंट पोजिशन ने, जिहड़ियां भी जो भी मैनेजमेंट पोजिशन ने, उहदे विच इह जिहड़ा हुंदा है 1 साल का दिता जांदा है। मान लो कोई CEO आया है या MD आया है या वाइस प्रेजिडेंट आया कंपनी का, तो वह 1 साल का वर्क परमिट लैके इत्थे आएगा। 1 साल वो 7 साल तक एक्सपेंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो स्टार्टअप कंपनी है कि वो एग्जिस्टिंग कंपनी है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है 3 साल का मिलेगा, स्टार्टअप कंपनी है 1 साल का मिलेगा, 7 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। और जे कोई स्पेशलाइज्ड जॉब विच आंदा है कैटेगरी दे विच, उन्हों 3 साल का मिलता है और 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। सो अगर एग्जिस्टिंग है तो भी वो 3 और 5 तक, ये कैटेगरीज ने। अगर थोड़ू ये कैटेगरीज समझ आ जाए तो तुम्हें एक गल क्लीयर है कि 1 से 7 साल तक का यह वर्क परमिट चल सकता है, 1 साल तो लैके 7 साल तक। सो ये ड्यूरेशन है ICT के वर्क परमिट की। इस तो बाद जो गल करिए भी थोड़ा तो वर्क परमिट मिल गया, जो थोड़े नाल फैमिली आ रही है उन्होंने की मिलेगा, तो मैं वो क्लीयर कर दिया कि फैमिली नू की मिलेगा। सो तुसी वर्क परमिट ले लेता, थोड़ी फैमिली, थोड़ी स्पाउस, राइट, थोड़े स्पाउस नू स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिलेगा, SOWP, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिलेगा। वो किते भी काम कर सकते हैं, किसी तरीके का भी काम कर सकते हैं, किते भी काम कर सकते हैं। जिहड़े बच्चे ने, अगर वो 5 साल तो वड्डे ने, स्कूल जाने वाली उम्र के ने, तो उन्होंने स्टडी परमिट मिले। और अगर स्कूल जाने वाली उम्र के नहीं है, 1 साल का 2 साल का बच्चा है, तो तुसी अगर साल रहोगे तो उन्ने टाइम का एक्सटेंडेड विजिटर वीजा मिलेगा, एक्सटेंडेड विजिटर वीजा मिलेगा, जिन्हों असी विजिटर रैकर्ड भी कहने हैं। सो वो थानू मिलेगा, ये सारिया चीज़ा थानू थोड़ी फैमिली नू मिलनगियां। सो जो थोड़े बच्चों नू स्टडी परमिट इत्थे मिलेगा, तो थोड़े बच्चे ऑफकोर्स कैनेडियन स्कूल दे विच जा सकते हैं, बिना कोई फीस दित्तियां, बिना कोई चीज़ कीतियां होया, तो वो इत्थे कैनेडियन स्कूलों च पढ़ सकते हैं। सो ये थोड़ी फैमिली दी चीज़ा ने। हुण लास्ट च एक गल मैं थानू कही सी कि PR च किवें बदल सकदा है। सो PR च इस तरीके ना बड़े तरीके ने बदलन दे, मैं सिर्फ एको तरीके की गल कर रहा हाँ, राइट। सो एक तरीका जो बहुत फेमस है वो है एक्सप्रेस एंट्री। मैनू बहुत प्यार है एक्सप्रेस एंट्री ना। सो एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरी जी है, 1 साल तुसी काम करो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर, तुसी एक्सप्रेस एंट्री च अप्लाई कर सकते हो, और थानू 50 से लैके 200 CRS पॉइंट्स मिलते हैं। मान लो जो थानू 200 CRS पॉइंट्स मिल गए, बाकी थोड़े अपने हुए, थोड़ी तो PR पक्की है, राइट। सो इस करके मैनू बहुत प्यार है एक्सप्रेस एंट्री ना। बाकी ये अलावा होर भी तरीके ने, PNPA कुछ होर तरीके ने। सो अनफॉर्चुनेटली इन्नी डिटेल मैं इतने डिस्कस नहीं कर सकता। सो तुसी अपना केस मेरे नाल डिस्कस करना चाहते हो, तुसी अपॉइंटमेंट बना के गल कर सकते हो। साड़ा इको एक ऑफिस ब्रैम्पटन दे विच है। सो एड्रैस, ईमेल ID, फोन नंबर सब कुछ इतने थोड़े नाल शेयर है। बहुत जरूरी गल, चैनल तुसी हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
थैंक्स।